अरे भाई साहब देखिए क्या नज़ारा है यार। मतलब कनाडा का जो नायग्रा फॉल है ना, ये उसका छोटा कॉपी है। तो मैं आपको अभी पूरा नीचे जाके दिखाता हूँ। बहुत ही मस्त सीन है यार, ब्यूटीफुल यार। और यहाँ से ज़्यादा अच्छा नज़ारा आ रहा है। ये देखिए भाई, ऑसम। और ये पूरा यहाँ से नीचे जाता है। तो भाई होप आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा यहाँ पे देख के, और जो मैंने आपको पूरा घुमाया। अभी तो काफ़ी टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं भाई, मज़ा मज़ा आ गया यहाँ पे। तो अभी सारा यहाँ पे, अभी अपन उधर साइड जाएंगे। ये जो साइड है ये थोड़ा व्यू पॉइंट है जो पीछे है, वहाँ पर आप आराम से नहा सकते हैं। काफ़ी अच्छी, मतलब थोड़ा सा पूल बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ पर ईज़िली आप जाके नहा सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या लोकेशन है और क्या रश है यहाँ पर। तो बस फ़िलहाल नज़ारे ले रहे हैं अपन यहाँ पे मिनाल वाटरफॉल के। तो भाई यहाँ पे काफ़ी पुराने अवशेष पड़े हैं मंदिर के, जो कि टूट चुके हैं, खंडित हो चुके हैं। तो वो मैं आपको सारा अभी दिखाता हूँ। और काफ़ी पुराने समय से यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो ये देखिए भाई, ये सारे वो जो खंडित हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा, और ये सारी खंडित मूर्तियां हैं और पूरे उनके अवशेष पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, और ये मंदिर है जो अभी भी मतलब सारे खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं काफ़ी सालों से। और ये पांडवों के टाइम पे बनाए हुए हैं। तो आप देखिए कितने पुराने, मतलब 4-5 हज़ार साल पुराने मंदिर बोल सकते हैं हम इनको। तो चलिए भाई अब निकलते हैं बाहर और देखते हैं आगे कहाँ चलना है, क्या प्लान है सबसे पूछ के, तो फिर वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ से तो चलते हैं अपन बाहर को। तो भाई ये व्यू पॉइंट देखिए, तो इसको भाई सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। जिसका मन कर रहा है यहाँ पे आ जाए और सुसाइड कर लेवे, पर भाई टिकट कटवाना पड़ेगा उसके लिए पहले। तो बाकी रही मजाक के बाद, तो भाई ऐसा काम बिल्कुल मत करना कोई भी। तो ये देखिए भाई क्या सीन है यार, मज़ा आ गया भाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला जो पहाड़ है, पत्थर है, सिर्फ आगे को अटका हुआ, और इसके ऊपर आप खड़े होकर आराम से बढ़िया सी फ़ोटो खींच क्लिक करवा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। और पूरा बढ़िया नज़ारा आएगा पीछे, ये पूरी नदी जा रही है जो। तो भाई ये देखिए, ये सामने जो चादर है वहाँ से पानी आ रहा है पूरा, और ये पानी पूरा ऐसे जाते जाते सारा पानी इस साइड की ओर जा रहा है जहाँ पे मिनाल वाटरफॉल है। तो लोग वगैरह यहाँ पे आके पिकनिक मनाते हैं, नहाते हैं, मज़े करते हैं। तो आप पानी देखिए कितना अच्छा क्लियर वाटर है, कितना सुंदर लग रहा है भाई। और ये पूरा व्यू देखिए आप भाई, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अपनी बाइक्स खड़ी है, और लोगों ने अपनी कार वगैरह यहाँ पर लगा के पार्क करके यहाँ पर नहा सकते हैं। भाई अपन ने ड्रोन शॉट्स भी ले लिए, होप आपको बढ़िया लगे होंगे। और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो अब अपने सारे भाई लोग
नहाने लग गए हैं और काफ़ी ठंडा पानी भी है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा चिल मार रहे हैं, नहा धो रहे हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद एक आता है गोप्टा डैम, तो वहाँ पे चलेंगे इसके बाद। तो भाई फुल इन्जॉय चल रहा है, फुल नहा रहे हैं भाई लोग, और ये देखिए क्या नज़ारे हैं भाई यहाँ पे। तो एक्चुअली काई काफ़ी जमी हुई है अंदर, वो हरा हरा जैसे होता है ना जो, वो काफ़ी जमा है तो काफ़ी फिसलन है, तो इसलिए काफ़ी बंदा फिसल जाता है पानी के अंदर। और ये देखिए भाई क्या नज़ारे हैं, और आई थिंक बारिश भी जल्दी आ जाएगी बिकॉज बादल तो गरज रहे हैं। तो अभी मत आए बिकॉज सारा अपना व्लॉग ख़राब हो जाएगा, जब रास्ते में जाएंगे तब आ जाए बारिश, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे चल रहा है अपना शूट भाई, अब बहुत मज़े कर लिए यहाँ पे, और अभी मैं आप देख रहे हो पानी के बीच में खड़ा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है यार, ठंडा ठंडा पानी पैरों पे लग रहा है, बट ध्यान भी रखना पड़ रहा है बिकॉज फिसलन बहुत है, डर लग रहा है गिर ना जाऊँ, बट अभी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है और सब चिल मार रहे हैं, आराम से बैठे हैं यहाँ पे। और होप आपको यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा तो भाई प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 4 और अभी बैठे हैं यहाँ पे, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद निकलेंगे। तो अभी बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो फिर पकोड़े वगैरह चिप्स वगैरह मंगवाए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो सब पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो फिर इसके बाद अभी फाइनली यहाँ से निकलेंगे अपन थोड़ी देर में खा पी के, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या मंगवाया और क्या अपन खा रहे हैं सब। तो भाई ये पड़ी अपनी कोल्ड ड्रिंक और ये है पकौड़े और चिप्स, और ये सब अपने भाई लोग खा रहे हैं। मैं खाऊंगा ना ये, थोड़ा व्लॉग बना के खाऊंगा आराम से। तो भाई अभी अपन वही सेम जगह पे आके खड़े हो गए हैं जो अपन ने जाते हुए दिखाया था आपको, जो कि एक छोटी सी चादर बनी हुई है, डैम बना हुआ है। तो फिलहाल जहाँ पे अपन ने जाना था गोप्टा डैम वगैरह, तो वहाँ पे नहीं जा पाए बिकॉज लेट हो गए, और आपको पता ही है ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग डिसीजन होते हैं, तो फिर बन नहीं पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपन खुद की राइड जो करेंगे अकेले, तब जो भी रह गया अपन कवर करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या मस्त व्यू है, और मौसम भी बहुत ही बेहतरीन हो गया है। तो अब सीधा यहाँ से घर पे, और कहीं नहीं रुकना अब, तो ये फाइनल था यहाँ पे रुकने के लिए। तो अपने भाई मिल गए थे, इन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया अपना, तो अभी जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो भाई लोग ज़रूर देखेंगे अपनी वीडियो। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं यहाँ पे डैम, तो इसके थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे फिर फाइनली निकल जाएंगे यहाँ से। और वैसे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत सबके चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा व्यू हो रहा है यहाँ पे और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो फिलहाल भाई इस व्लॉग में तो यही, और इसको यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड पे बहुत ही जल्दी, बिकॉज जो भी चीज़ें रह गई हैं मुझे, मैंने वो कवर ज़रूर करनी है बिकॉज बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं वो देखने वाली। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं फटाफट से और मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।